वेलकम स्टूडेंट्स टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल आई एम अमृता कुलकर्णी एंड वी आर गोइंग टू लर्न द क्लास सेवेंथ सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर सेकेंड प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड डे फंक्शन सी व्हाट वॉट अस टू इजीली आइडेंटिफाई द प्लांट्स अराउंड अस ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ ये प्लांट है जैसे कि रूट स्टेम लीव्स पत्ते फ्लावर्स फ्रूट्स इसकी वजह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर थिंग ये चीज़ प्लांट है विच आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर लाइक रूट स्टेम लीव फ्लावर एक्सेट्रा दीज ऑल थिंग्स वी नो द रूट स्टेम लीव्स फ्लावर फ्रूट्स एक्सेट्रा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर डिफरेंट वी कैन आइडेंटिफाई द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ दीज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पेड़ों अलग अलग पेड़ों को रूट, स्टेम, लीव फ्लावर फ्रूट्स ये सब के लिए अलग होते हैं लेट इज नाउ एक्वेंट अवर सेल्फ विद दीज प्लांट ऑर्गेन्स इन ग्रेटर डिटेल्स अभी हम लोग ये जो सारी प्लांट ऑर्गेन्स है ये डिटेल में देखेंगे सबसे शुरुआत करते हैं रूट से बेसिक फंक्शन हमें पता है रूट का रूट जो सॉइल के अंदर होते हैं सॉइल के नीचे होते हैं वो क्या करते हैं पेड़ों के लिए मतलब प्लांट्स के लिए वो रू सॉइल से पानी लेते हैं कीप अस्टर बॉल ऑफ क्रम्पल्ड पेपर इन द कोनिकल फ्लास्क प्लेस सम सोक सोक मतलब भिगाई हुई और ग्राम सीड्स इन द फ्लास्क बिटवीन द पेपर एंड द ग्लास बॉल ऑब्जर्व एंड नोट द चेंजेस इन द सीड्स इन द टू और थ्री डेज इफ यू विल ऑब्जर्व द Part that grows from inside the seed towards the soil is called radical, and the part that grows above the soil is called a limb. If you will bow a seed after a few days, if you will see it, some part of that seed grows towards the seed, a soil, and some part of the seed grows above the soil. You can see the figure number 2.1. द पार्ट दैट ग्रोज फ्रॉम इनसाइड द सीट टूवर्ड्स द सॉइल जो माती में नीचे जाता है मिट्टी में उसे बोलते हैं रेडिकल और जो पार्ट मिट्टी के ऊपर आता है उसे बोलते हैं प्लेनुल यू कैन सी इन द फिगर टू पॉइंट वन फॉर्मेशन ऑफ रूट द रूट दैट फॉर्म्स फ्रॉम द रेडिकल ग्रोज इन टू द ग्राउंड रूट जो होते हैं वो ये सिड़की रेडिकल से आगे बढ़ते हैं बनते हैं द रूट इज थिक एंड नियर द ग्राउंड एंड ग्रेजुअली टेपर्स टू द पॉइंटेड एंड ये जो नीचे रूट्स होते हैं वो ग्राउंड की तरफ मोटे होते हैं और जैसे ही सॉइल में अंदर अंदर जाते हैं वो पॉइंटेड होते जाते हैं दिस पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग बिलो द सॉइल फॉर द सपोर्ट इज कॉल्ड अ रूट देर आर टू मेन फंक्शन ऑफ रूट्स फर्स्ट थिंग इट गिव सपोर्ट फॉर द प्लांट

एंड स्प्रेड फार और बहुत दूर तक फैले होते हैं एंड वाइड इन द दॉयल रूट सपोर्ट्स द प्लांट रूट्स जो होते हैं वो प्लांट को सपोर्ट करते हैं दिस टाइप ऑफ रूट इज़ कॉल्ड टैप रूट दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड एज अ टैप रूट जो रूट्स मतलब जो रूट्स पेड़ों को सपोर्ट करते हैं और जिनको सेकेंडरी रूट्स होते हैं जो सॉइल में ही दूर तक फैले होते हैं ऑब्लिकली uh, उन्हें बोलते हैं टैप रूट रूट्स बेयर हेयर लाइक प्रोसेस नियर द रूट टिप्स दीज आर रूट हेयर एट द रूट टिप मतलब जो पॉइंटेड एंड होता है नीचे वहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है इट इज़ कॉल्ड एज अ रूट हेयर द रूट टिप इज़ वेरी डेलीकेट वो जो रूट टिप होती है वो बहुत ही नाजुक होती है दिस इज़ द रीजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रूट यहाँ से ग्रोथ की यहां से रूट की ग्रोथ होती है नीचे द टिप इज कवर्ड बाई कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप द रूट कैप प्रोटेक्ट द रूट फ्रॉम द एक्टिविटी टेक ग्लास जार फिल थ्री क्वार्टर ऑफ इट विथ वाटर एक ग्लास जार लीजिए उसमें थ्री फोर्थ तक के पानी भरिए

Tap root and fibrous root. dicotyledonous plants have tap root, while monocotyledonous plants have fibrous root. dicotyledonous means what? जिनके seed के exactly two equal halves हो सकते हैं, उन्हें बोलते हैं dicotyledinous plant. और जिस seed के सिर्फ exactly एक ही part होता है, उन्हें बोलते हैं monocotyledinous plant. डायकोटिलिडिनस में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि ग्राउंड नट इट इज अ डायकोटिल और बेटर एग्जाम्पल इज कैशू मतलब काजू काजू के एग्जैक्टली दो पार्ट्स हो सकते हैं देर फॉर इट इज कॉल्ड अ डाईकोटिलिडिनस और मोनोकॉट में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंगो इट इज ऑल्सो मोनोकॉट लेट सी दर्ड एक्टिविटी सो द सीड्स ऑफ द प्लांट्स लाइक मस्टर्ड सोरगम दैट इज जवार मेज मतलब मक्का पी कोरिएंडर एक्सेट्रा इन एन अर्दन पॉट कल्टिवेट द प्लांट फॉर एट डेज वंस द प्लांट्स ग्रो 15 टू ट्वेंटी ट्वेंटी सेंटीमीटर हाई अप रूट देम मतलब क्या करो कुछ सीड्स लो इन सब प्लांट्स की और अर्दन पॉट में लगाओ उनकी केयर करो एक आठ आठ से दस दिन के लिए और जैसे ही प्लांट की हाइट फिफ्टीन टू ट्वेंटी सेंटीमीटर तक बढ़ जाए अप्रूट देम मतलब उनको बाहर निकालो मिट्टी से केयरफुली वाइल द सॉइल इज मॉइस्ट एंड पुट देम जेंटली इन अ लार्ज कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग वाटर बड़े से कॉनिकल फ्लास्क में उसको डालो जहाँ पे पानी होगा द सॉइल विल गेट वॉश ऑफ पानी में जो रूट की सॉइल है वो पूरी वॉश हो जाएंगी

मेज़ शुगर केन सोरगम हैव टू टाइप ऑफ रूट्स जैसे कि मक्का शुगर केन मतलब गन्ना सोरगम मतलब जवार हैव टू टाइप ऑफ रूट्स सम रूट्स आर अंडरग्राउंड वेर एज सम ग्रोज फ्रॉम द स्टेम जस्ट अब दॉयल मतलब कुछ जो उनके रूट्स होते हैं वो पूरे अंदर तक जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो सॉइल के बाहर रहते हैं द लेटर आर कॉल्ड एडवेंटेशियस रूट विस एडवेंटेश नॉर्मल फंक्शन लाइक एब्जॉर्बशन ऑफ वॉटर एंड मिनरल एंकरिंग एंड सपोर्टिंग द प्लांट रूट परफॉर्म सम अदर फंक्शंस टू जैसे रूट का नॉर्मल फंक्शन हमें पता है लाइक एब्जॉर्ब्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल मिट्टी से पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब करना एंकरिंग मतलब नीचे तक होल्ड होल्ड करके रखना सपोर्ट करना प्लांट के लिए रूट परफॉर्म सम अदर फंक्शंस टू इसके अलावा भी रूट्स कुछ फंक्शंस करते हैं जैसे कि रूट शो सम मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म परिज एडिशनल फंक्शन सम एग्जाम्पल ऑफ सच रूट्स आर मॉडिफाइड रूट्स आर एरियल रूट्स स्टल्ट रूट्स रनर्स ब्रीदिंग रूट एक्सेट्रा नाउ फोर्थ एक्टिविटी टेक सम वॉटर इन अ स्मॉल ग्लास जार put a plantlet in it in such a way that its roots are deep in the water mark the water level on the jar and add 5 ml of oil to the water record the, wat record the water level on the next day and discuss your observation in the class you can see this day by day see Figure number 2.5. Day by day what will happen? The water level in the jar will get reduced and reduced. Why? Because it shows that roots absorb the water. Understood this point? Now, let's move toward the next point. Do you know? Roots emerging from the trunk and branches of a banyan tree grows towards the soil. These roots are called prop roots. बनियान ट्री की जो रूट्स होती है वो ट्रंक से निकल के बाहर आती है और नीचे जाती है उनको प्रॉप रूट्स बोलते हैं वॉट कुड बी द यूज ऑफ दिस प्रॉप रूट्स इन द बिगिनिंग द बनियन ट्री हैज वेरी फ्यू प्रॉप रूट्स बट लेटर ऑन देर नंबर इंक्रीजेस सो मच दैट इट एपियर्स लाइक अ स्मॉल फॉरेस्ट इन कोलकाता अ टू फिफ्टी ईयर्स ओल्ड बनियान ट्री इन द इंडियन बॉटनिकल गार्डन कवर्स अ वेरी लार्ज एरिया It is supported by thousands of prop roots. Is there any such a tree in your neighborhood? You can see or you can observe it. Now let's move toward the next point, that is a stem. The stem it grows above the soil from the plumule of the sprouting seed. Sprouting seed से जो plumule जो upper की उसे प्लेमुल बोलते हैं और वो आगे जाके डेवलप होके उसे स्टेम बनता है एज द स्प्राउड ग्रोज द स्टेम ग्रेजुअलीस टू देर आर नोड ऑन दिवस दिटवीन दू नोड इज कॉल्ड एजर नोड इफ यू कैन ऑब्जर्व दिगर टू पॉइंट सिक्स यू कैन सी दार्ट ऑफ द स्टेम देर आर नोड ऑन द स्टेम यू कैन सी इन द फिगर

As per the diagram, you can observe the rose plants also. You can see the rose stem. गुलाब के जो गुलाब का जो stem होता है वो आप देख सकते हो कि हर node पे एक leaves के लिए branch अलग से आती है और जो टॉप का एंड होता है वहाँ पे बड़ वहाँ से उसकी ग्रोथ होने लग जाती है नाउ द नेक्स्ट इज लीफ लीफ इज ऑल्सो एन important पार्ट Of a plant leaves grows from the nodes on the stem leaves are generally thin flat and green in color the broad spread out part of the leaf is called the leaf blade or lamina you can see figure 2.7 lamina it is a broad spread out or flat bed and its edge is called as a leaf margin can you see in the figure leaf blade Leaf margin. Leaf margins may be entire, dented or lobe. You can see the right hand side figure entire, dented or lobe. These are the various types of leaf margin you can see in the nature. The tip of the leaf is called leaf apex. It may be tapering, it may be pointed or rounded.

जो लीफ का पार्ट है जो डायरेक्टली स्टेम को टच है उसे लीफ बेस बोलते हैं। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर मे बी प्रेजेंट नियर द लीफ बेस दीज आर कॉल्ड एज अ स्टिप्यूल्स इफ यू कैन सी इन द फिगर टू पॉइंट स्मॉल टू लीव्स आर देयर एट द लीफ बेस कॉल्ड लीव्स ऑफ सम प्लांट्स है सिंगल मिड रिप सच लीव्स आर कॉल्ड एज अ सिंपल लीव। कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जहाँ पे अनडिवाइडेड लीव ब्लेड मतलब लीव का जो फ्लैट सरफेस होता है अनडिवाइडेड होता है और बीच में से सिर्फ एक सिंगल मिड बन जाती है जैसे कि दिखाई दे रही है फिगर टू पॉइंट सेवन में हाव द लीव ब्लेड ऑफ लीव इन सम प्लांट इज डिडेड इन टू मेनी स्मॉल पार्ट कॉल्ड एज अट सच लीव आर कॉल्ड एजाउंड लीव सिंपल लीव एंड कंपाउंड लीव आर दू मेन टाइप ऑफ leaves here we can see the different type of leaves also in different plants the arrangement of leaves on the stem is different it may be alternate if you can see the first figure of figure 2.8 you can see the alternate arrangement of stalk of the leaves at node Opposite is there. Third figure you can see. Opposite plant. Opposite arrangement of leaves on the stalk. Wall, spiral, etc. According to the shape, leaves are rounded, palmate, lanceolate, linear, etc. Yes, the people leave. You all know the people leave. Generally, हम लोग कहाँ रखते हैं बुक में रखते हैं और अगर बहुत दिनों के बाद हम लोग उसे खोल के देखें तो कैसे इट लुक्स लाइक अ वेब द पीपल लीफ इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय अ सिंगल मिड वेन विच लाइज अलॉन्ग द मिड लाइन ऑफ द लीफ ब्लेड सेकेंडरी वेन अराइज फ्रॉम द मिडवेन दे आर ब्रांच एंड फॉर्म अ नेटवर्क और रेटिकुलम जो मिड वेन रहती है वहाँ से कुछ सेकेंडरी वेन्स बाहर पड़ती है एंड इट फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑन द अदर हैंड इन द लीव्स ऑफ मेज ऑल द वेन्स आर पैरल फॉर एग्जांपल अवर बनाना लीव्स ऑन द बनाना लीव्स ऑल वेन्स आर पैरल रनिंग फ्रॉम लीव बेस टू द लीव एपिक्स। दस द पीपल लीव ब्लेड इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड मेज लीव ब्लेड इज अ हैज़ अ पैरल वेनेशन इफ यू कैन सी द फिगर नंबर टू the up one figure shows the reticulate venation reticulate venation means what in that veins are veins forming a network and second case is parallel venation where veins are running parallelly best example is banana leaves now the next point is flower well known and very attractive part of the plant is flower फ्लावर में हैव लॉन्ग और शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेडिसल इफ यू कैन सी द फीगर हियर पेडिसल यू कैन सी कुछ फ्लावर्स को पेडिसल होता है मतलब स्टॉक होता है या फिर कुछ फ्लावर्स को नहीं होता वन एंड ऑफ द पेडिसल इज अटैच टू द सेम एंड अदर एंड ऑफ द पेडिसल इज एक्सपांडेड एंड स्वलन इट इज कॉल्ड द रिसेप्टल पेटल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स आर सपोर्टेड ऑन द रिसेप्टल कैलिक्स करोला एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर पेटल्स मीन्स पत्तिया नाव लेट्स मूव वन बाय वन कैलिक्स इन द बर्ड कंडीशन बर्ड मीन्स जब वो जब फ्लावर एक कली के समान होता है इन अ बड कंडीशन द पेटल्स आर कवर्ड बाई लीफ लाइक पार्ट कॉल्ड सेपल्स जब फ्लावर कली के फॉर्म में होता है तब वो उसकी जो पत्तियाँ होती है वो ग्रीन कलर की लीफ लाइक पार्ट में ढकी हुई होती है उससे कहते हैं कैलिक्स दे कॉल्ड एज अ कैलिक्स हेयर इन दिस फिगर यू कैन सी द ग्रीन कलर स्मॉल लिफ लाइक स्ट्रक्चर अबव द पेडिसल

This is the male reproductive part of the flower. It consists of stamen. Each stamen is made up of anther and filament. Androsium is the male reproductive part. It consists of stamen. And each stamen is made up of anther and filament. You can see where it is. You, if you can see the hibiscus flower, in the hibiscus flower, a small yellow colored dots are dots you can see. That is anther. Gynosium. this is a female reproductive part of the flower. This is a made up of carpel. A carpel consists of stigma, style and ovary. There are the three parts of the carpel that is stigma style and ovary. Second, take a vertical section of the hibiscus flower with the help of the sharp blade. By cutting the flower vertically from stigma to pedicel, बोथ द सेक्शन ऑफ द फ्लावर विल बी सीन टू हैव द सेम स्ट्रक्चर अगर आप हिबिस्कस हिबिस्कस का फ्लावर देखते हो एक्जैक्टली exactly, वर्टिकली उसे कट करते हो तो ये सारे पार्ट्स आपको देखे जाएंगे आफ्टर मैच्योरिटी एंथर बर्स्ट एंड द पोलन ग्रेन्स विच आर रिलीज फॉल्स ऑन द स्टिगमा जब पूरी मैच्योरिटी मतलब फ्लॉवर में मैच्योरिटी आने के बाद एंथर्स जो होते हैं वो बर्स्ट होते हैं और एंथर्स में जो पोलन ग्रेन होते हैं पोलन ग्रेन मतलब मेल गैमेट वो इट रिलीजेज एंड इट फॉल्स ऑन द स्टिग्मा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ पॉलिनेशन। एंड ड्यू टू पॉलिनेशन ओव्यूल्स मीन्स एग एग सेल मीन्स फीमेल सेल इन द ओवरी गेट फर्टिलाइज बाय द पोलन ग्रेन दैट इज अ मेल सेल्स फर्टिलाइज ओव्यूल फॉर्म द सीड एंड ओवरी डेवलप टू द फ्रूट जो फर्टिलाइज ओव्यूल होता है उससे सीड बनती है और आउटर जो कवरिंग होती है ओवरी की उससे फ्रूट बनता है सो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट नेक्स्ट इज फ्रूट्स, वेल नोन थिंग वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स ईच टाइप ऑफ फ्रूट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स देर आर वेरिएशन इन दर शेप कलर टेस्ट एक्सेट्रा मैंगो कंटेंट ओनली वन सीड वेर एस जैक फ्रूट It consists of many small fruitlets, each with its own seed. मतलब fruits में भी अलग अलग प्रकार होते हैं जैसे mango में आम में एक ही seed होती है पर अगर आप जैक फ्रूट देखने जाओ तो उसमें स्मॉल स्मॉल फ्रूटलेट्स होते हैं छोटे 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 फ्रूट्स होते हैं और हर एक की अलग से सीड होती है ऑब्जर्व द फ्रूट्स ऑफ बेर दैट इज इजी पस मैंगो चिकू एप्पल वॉट यू कैन ऑब्जर्व each fruit has a different skin or shell fleshy part and seed in case of the fruits like cashew its seed is outside the fruit if you can observe the right hand side figure first it is a cashew fruit and that cashew is outside of the its seed is outside of the fruit soak the seeds of the pea wheat Rice, jowar, groundnut in a water for 3 to 4 hours. Press the seeds with your finger and observe them. Which is seed get divided into 2 equal halves. Peas, it also can be divided into 2 equal halves. Seeds which get divided into 2 equal parts are called dicotyledonous seeds. And seeds which do not divide into 2 equal parts are called as a monocotyledonous seed. Best example is Dicotyledonous is cashew and monocotyledonous is mango. Thank you, friends.